सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें न्यू वीडियोस के अपडेट पाने के लिए। हेलो दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में नॉट गेट देखा था, इस वीडियो में हम लोग नैंड गेट देखेंगे। ठीक है, तो पहले मैं आप लोग को नैंड गेट का थ्योरी बता देता हूँ, फिर एक प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, उसके बाद एक एप्लीकेशन बता दूंगा जिससे आपको नैंड गेट को अंडरस्टैंड करने में आसानी होगी। ठीक है, तो देखिए ये नैंड गेट का सिंबल है, जिसमें देखिए दो इनपुट है और एक आउटपुट है। ठीक है, और ये देखिए उसका बुलियन कॉन्फ़िगरेशन है, जिसमें क्या दिया है कि ए डॉट बी, मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद ये जो बार है वो बार इंडिकेट कर रहा है कि मल्टीप्लाई होने के बाद उसका अपोजिट आंसर मिलेगा। ठीक है, तो जो नैंड गेट है वो यूनिवर्सल गेट है, जो जिसको हम लोग नैंड गेट को यूज़ करके हम लोग और गेट भी बना सकते हैं, एंड गेट भी बना सकते हैं और नॉट गेट भी बना सकते हैं। तो नैंड गेट का आईसीई नंबर है 7400। ठीक है, और देखिए नैंड गेट एग्जैक्टली है क्या, जो एंड गेट है उसमें हम लोग ने नॉट गेट को कनेक्ट कर दिया है, तो जिसके वजह से अपना ये नैंड गेट बना हुआ है। तो देखिए इसका ट्रूथ टेबल देख लेते हैं, तो ट्रूथ टेबल नैंड गेट का है कि 00 देने पे अपने को 1 दे रहा है, 01 देने पे 1 दे रहा है, 10 पे भी 1 दे रहा है, और 11 देने पे अपने को 0 आउटपुट दे रहा है। लेकिन एंड गेट में आप देखेंगे तो एग्जैक्टली इसका अपोजिट था, मतलब वहाँ पे हम लोग 00 देते थे तो 0 ही आउटपुट मिलता था, 01 पे भी 0 आउटपुट मिलता था, 10 पे भी 0 आउटपुट मिलता था, 11 पे अपने को 1 आउटपुट मिलता था, बाकी सब में 0 मिलता था, खाली लास्ट वाले में 1 मिलता था। तो इसका एग्जैक्टली अपोजिट नैंड गेट है। तो चलिए मैं आप लोग को इसके आईसी के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। तो ये देखिए उसका पिन कॉन्फ़िगरेशन है, ये आईसी नंबर 7400 का। तो इसमें देखिए अपने 4 नैंड गेट हैं, तो अपने को फ़िलहाल अभी एक ही नैंड गेट का यूज़ है, जिसका मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। तो चलिए मैं आप लोग को इसका आईसी दिखा देता हूँ। तो देखिए ये आईसी है, तो आईसी का जो आप लोग ये जो आधा कटा हुआ भाग देख रहे हैं, इसको नॉच बोला जाता है। तो नॉच के नीचे वाले साइड से ये आईसी का पिन नंबर 1 होता है, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7 और यहाँ पे 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ये 14 पिन की आईसी है। तो देखिए कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू कि इसमें जो पिन नंबर 1 है वो इनपुट है, पिन नंबर 2 भी इनपुट है और पिन नंबर 3 आउटपुट है। ठीक है, तो आप लोगों को मैं इसका प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ। तो देखिए आईसी को ब्रेडबोर्ड पे कनेक्ट कर लेंगे, तो मैंने आईसी को ब्रेडबोर्ड पे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, पॉजिटिव को अपर साइड में लगा देंगे और नेगेटिव को इधर पे लगा दिया मैंने। ठीक है, तो जो देखिए आईसी का पिन नंबर 14 है वो वीसीसी है, जो प्लस के साथ कनेक्ट होगा, मतलब जो भी आप प्लस 5 वोल्ट दे रहे हैं, 9 वोल्ट दे रहे हैं या जो भी है, मैंने ऊपर कनेक्ट कर दिया। ठीक है, और जो पिन नंबर देखिए 7 है वो ग्राउंड दिया हुआ है, तो वो माइनस में कनेक्ट हो या नेगेटिव, ठीक है, मैंने उसे ग्राउंड कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो अभी देखिए आउटपुट के लिए मैं LED यूज़ कर रहा हूँ, इसके लिए मैं उसके अक्रॉस एक रेजिस्टर लगा दूंगा, क्योंकि 9 वोल्ट की बैटरी मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो पिन नंबर 3 पे मैंने रेजिस्टर लगा दिया और रेजिस्टर को यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे और LED लगाने के लिए, तो देखिए ये जो LED होता है उसका जो बड़ा वाला लेग होता है वो पॉजिटिव होता है और जो छोटा वाला लेग होता है वो नेगेटिव होता है। तो पॉजिटिव वाले को रजिस्टर के साथ कनेक्ट करेंगे और नेगेटिव वाले को साइड में कनेक्ट कर देंगे और एक वायर के थ्रू हम उसे भी ग्राउंड कर देंगे। तो उसे ग्राउंड करने के लिए मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब मैं इनपुट के लिए 2 वायर यूज़ करूँगा। ठीक है, तो इनपुट के लिए पिन नंबर 1 में एक लगा दिया और एक पिन नंबर 2 में। ठीक है, अभी हम लोग बैटरी कनेक्ट करके देख लेते हैं इसका आउटपुट। तो मैंने देखिए बैटरी कनेक्ट कर लिया है, तो अभी हम लोग इसका आउटपुट चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों हम लोग ए को 0 करके और बी को भी 0 करके देख लेते हैं इसका आउटपुट। तो मैंने ए को 0 में कनेक्ट कर दिया और बी को भी 0 में कनेक्ट कर दिया। तो देखिए 0 में कनेक्ट करने के बाद अपने को LED जल रही है और 1 आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, दोनों को 0-0 में कनेक्ट किया तो अपने को 1 आउटपुट मिल रहा है। अभी मैं ए को 0 ही रहने दूंगा और बी को 1 करके देख लेता हूँ। तो मैंने बी को निकाला और 1 पे कनेक्ट कर दिया। तो 1 पे कनेक्ट करने के बाद देखिए तो भी LED जल रही है, अपने को 1 आउटपुट मिलना चाहिए। ठीक है, अभी मैं ए को 1 कर देता हूँ, बी को 0 कर देता हूँ। तो मैंने बी को निकाल करके ग्राउंड में कनेक्ट कर दिया और ए को मैंने 1 में कनेक्ट कर दिया, तो भी देखिए LED जल रही है। ठीक है, अब मैं दोनों को 1-1 करके देख लेता हूँ, तो अपने को LED नहीं जलनी चाहिए, 0 आउटपुट देना चाहिए। तो मैंने जो
बी है उसको भी वन करके देख लेते। तो देखिए मैंने वन किया, दोनों को वन वन कर दिया तो अपनी एलईडी नहीं जल रही है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसमें से कोई भी एक इनपुट अगर ज़ीरो होता है तो अपनी एलईडी जलेगी। ठीक है, तो आप लोग को मैं इसका एप्लीकेशन बता देता हूँ। तो दोस्तों समझ लीजिए ये केमिकल कंपनी है, तो केमिकल कंपनी में दो मैंने एग्जॉस्ट फैन लगाए हैं। केमिकल कंपनी थोड़ी डेंजरस गैस निकाल रहा है तो उस गैस को निकालने के लिए एग्जॉस्ट फैन लगाए गए हैं। तो इन केस समझ लीजिए जब दोनों फैन ऑन हैं तो ये वन वन यहाँ पे दो सेंसर लगाने की वजह से ये वन वन सेंड करेंगे और अपना यहाँ पे ज़ीरो आउटपुट मिलेगा। ठीक है, अगर इन केस ऐसा कुछ होता है कि ये एग्जॉस्ट फैन बंद हो गया तो क्या कंडीशन होगी, इधर पे ये वन सेंड करता रहेगा, ये ज़ीरो सेंड करता रहेगा। तो ज़ीरो सेंड होने की वजह से वन यहाँ पे सेंड होगा और अपना बजर या जो भी अलार्म सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाएगा और आवाज़ करने लगेगा, जिससे पता चल जाएगा कि अपना ये फ़ैन बंद हो गया और ख़राब हो गया है। तो केमिकल कंपनी के अंदर गैसेस फैलना शुरू हो गई है। ठीक है, अगर समझ लीजिए ये ख़राब हो जाता है और ये ऑन रहता है तो भी ये बज़र अपने को आवाज़ करके देगा, और दोनों ख़राब हो जाते हैं तो भी अपने को वन आउटपुट में मिलेगा। ठीक है, आप लोग ऐसे ही नैंड गेट को यूज़ कर सकते हैं, और भी बहुत सारे एप्लीकेशन है जिसमें नैंड गेट को यूज़ किया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, अगर आप लोग को कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नॉर गेट के साथ।